गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धाज ब्लॉग। आज जो है मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी मैं अप्पम बना रही हूँ और मैंने कैबेज की सब्ज़ी ऑलरेडी उसे तड़का दे दिया है। यहाँ पे ये कैबेज की सब्ज़ी बन रही है और यहाँ पे मैं अभी अप्पम बना रही हूँ, तो ये उसका बैटर है। के बाद जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी है घर की। जैसे आप सबको पता है अभी दिवाली आ रही है, तो मुझे अभी मैंने अभी तक कुछ क्लीनिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो आज जो है मैं थोड़ा डस्टिंग करूँगी। जाले वगैरह तो है नहीं घर पे मेरे अभी नहीं, तो आज मैं थोड़ा डस्टिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैं आज जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करके रख दे रही हूँ और बस ऐसा ही है। अभी जो है मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अप्पम खाए थे मैंने ब्रेकफास्ट में और रोटी सब्जी भी रेडी है और सिर्फ मुझे अभी थोड़ा सा राइस चढ़ाना है और चावल बनाने हैं। और अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा एक ब्यूटी चैनल शिमरिंग श्रद्धा पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है वाव एक्टिविटी चारकोल फेस मास्क का। तो आप अगर मेरे उस चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मेरे उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, शिमरिंग श्रद्धा। उसमें मैं ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो वो अभी मैंने अपलोड किया है। और अभी जो है मुझे किचन में जाके राइस बनाना है एंड देन मुझे और एक काम करना है आज, कि मैंने जो है सारी बेडशीट्स मुझे आज वॉश करनी है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी गीज़र ऑन करके रखा है। गर्म पानी में मैं उसे सोक करके रखूँगी। तो अभी चलते हैं पहले किचन में। तो क्या है कि दाल तो रेडी है मेरी और बस थोड़ा सा राइस चढ़ाना है, वो भी रिधिमा के लिए, क्योंकि रोटी सब्जी के साथ उसे थोड़ा तो भी राइस चाहिए रहता है दोनों टाइम, मीन्स सुबह शाम दोनों टाइम उसे थोड़ा राइस चाहिए होता है, इसलिए मैं उसके लिए अभी थोड़ा राइस चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मुझे रिधिमा को लाने भी जाना है आज। अभी मैंने राइस चढ़ा दिया है चावल, अब ये होते रहेगा तब तक जो है मुझे अपनी बेडशीट जो है उनको सोक करने के लिए रखनी है। तो अभी जो है मैंने बेडशीट सोक करके रखी है 4-5 आवर्स तक। तो अभी ये जो बेडशीट्स है ये मैं ऐसे ही सोक करके रहने दूंगी
3-4 घंटे के लिए, उसके बाद मैं मशीन में इसे सर्फ डाल के वॉश कर लूँगी नॉर्मल तरीके से जैसे हमेशा वॉश करती हूँ। और बाकी सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँ, ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा सा है तो वो काम कर लेती हूँ मैं अभी। अभी इधर का क्लीनिंग हो गया है मेरा, फ्रिज का मैंने 2-3 दिन कल या परसों सैटरडे संडे में मैंने अपना फ्रिज जो है अच्छे से क्लीन किया था, तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैंने जो सभी उसे बाहर से ही क्लीन किया है। और अभी जो है मैं थोड़ा सा अपना बेडरूम का क्लीन कर देती हूँ या इधर का। थोड़ा सा डस्टिंग कर लिया है, थोड़ा सा ही था। और कल सोच रही हूँ, कल जो है कल मैं पूरे अपने डोर कल या परसों में, परसों छुट्टी है रिधिमा को, तो मैं भी परसों हम शॉपिंग करने जाएंगे रिधिमा की और मेरी भी। हम परसों यहाँ पे बैंगलोर में कर्नाटका डे का छुट्टी है, यहाँ पे कर्नाटका डे है 1st of November को, तो मे भी उस दिन हम शॉपिंग करने जाएंगे दिवाली की। अभी तो मुझे रिधिमा को लाने जाना है, उसके पहले मैं अपने हेयर को हेयर ऑयलिंग करूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, मीन्स एटलीस्ट 4-5 days हो गए हैं मैंने अपने हेयर पे ऑयल नहीं लगाया, तो पहले मैं अपने हेयर पे ऑयल लगा लेती हूँ। अब पता नहीं जैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है तो मेरी आवाज़ ऑटोमेटिक बैठ जाती है। वैसे मुझे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी है, तो आई डोंट नो उसकी वजह से मेरी आवाज़ बैठती है कि क्या, बट बैठ जाती है मेरी आवाज़। और हमेशा मुझे कोल्ड रहता है विंटर में, आज भी मेरी आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है बैठ गई है। और मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी इसे मैं 2-3 घंटे के लिए रहने दूंगी ऐसे ही सिर पे।